बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप क्या कर रहे हो? आप थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते हो? हम सब है ना ये काम करने के लिए। और भी मैं ना बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है ना? मुझे बस ये बीजी के काम, कोई तो काम करने दो। बैठो उधर, आराम से बैठो। ये लो सूप पियो पहले। हाँ, आराम से बैठो, ये लो पियो, और इसके बाद दवाई भी खानी है। बुलबुल, वो जो तू वो 2 मिनट में सूप बनाती है तो बना देना मेरे लिए, मुझे सच में बड़ी भूख लग रही है। माँ मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए निकलना है, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। तूने तो कहा था कि 2 मिनट में ही बन जाता है, तो 2 मिनट में सूप बना के चली जाइए ना। माँ मेरे सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे, मुझे निकलना है। ठीक, तुझे तो बस अपने फ्रेंड्स की पड़ी रहती है, अपने दोस्तों और सहेलियों की। माँ को भूख लगे प्यास लगे क्या फर्क पड़ता है, माँ को मरने दो भूखे प्यासे। वैसे भी जब से तू बड़ी होती जा रही ना, तुझे ना अपनी माँ से प्यार ही नहीं रहा। बुरा लगा आपको? फिर तो आपको रोना भी आ रहा होगा। आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ से निकल रहा है आंसू। देखो जरा। ड्रामेबाज माँ, आपके लिए अभी सूप बनाती हूँ, ड्रामा बंद कीजिए अभी। मेरा बच्चा। हमेशा ना ऐसे क्यों डालती है, छोटे छोटे काट के क्यों नहीं डालती? क्योंकि माँ इसमें ना सिर्फ इसका स्वाद आता है, तीखापन नहीं। ये ना शेफ बुलबुल अरोड़ा की टॉप सीक्रेट है, किसको बताना नहीं। किसके लिए? सिर्फ मेरी माँ के लिए। आले मेरा बच्चा। तो ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है। अच्छा अच्छा नहीं है, क्यों, क्या कमी है इसमें? बस पीने का मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं पीना है। बड़ी माँ, पर ये तो आपका फेवरेट सूप है ना, आपको याद नहीं है आप बुलबुल को बोलते थे ये आपके लिए बनाने के लिए? तुझे बड़ी पुरानी बातें याद आ रही, मुझे उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना है। अगर तूने उसके हाथ का बनाया कुछ भी लाया ना और उसकी सिफारिश करने की कोशिश की तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगी। घुट क्यों रहे, गुस्सा आ रहा तो निकाल लीजिए। गुस्सा नहीं निकालना, तुम्हें इस घर से बाहर निकालने कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? गॉड किसने देखा नहीं? ये क्या है अब? तुम उस बहन जी के साथ पुणे जाना चाहते हो? आई मीन मैं चाहती थी कि हमारी प्राइवेट ट्रिप हो, प्राइवेट मोमेंट्स हो, मैंने सारी प्लानिंग भी कर ली थी। कब की प्लानिंग? जब वो प्रोड्यूसर एड का शूट लेकर आए थे और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मतलब क्या फायदा, तुम जाओ उस बहन जी के साथ एंजॉय करो। मुझे किसी ट्रिप पर नहीं जाना, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। फिर मतलब तुम मेरे साथ भी नहीं जाना चाहते हो? स्वीटहार्ट तुम किसी नहीं हो, तुम मेरी किस हो? मैं किसी की बात कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? ऑफ कोर्स जाना चाहता हूँ। थैंक यू। तुम्हें जरा सी मैनर्स नहीं है, दो लोग जब प्राइवेट बातें कर रहे हैं तुम्हें सुनना जरूरी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह ऑफ कोर्स, शर्म कैसे आएगी, शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो जबरदस्ती तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ, तुम्हारे पति के गले में हाथ डालती हूँ, है ना? You know what अभी? इसने हमारे रिश्ते को क्या कहा? नाजायज। Are you serious? Yes. Society इसे इज्जत की नजर से देखती है और मुझे तुम्हारे तन्नू को गिरी हुई नजर से देखती है, ऐसा कह रही थी ये। And you know what? इसने मुझे थप्पड़ भी मारा, मेरी इतनी इंसल्ट की इसने, और मैं चाहती हूँ कि इससे भी वैसे ही थप्पड़ पड़े जैसे इसने मुझे मारा था। और तुम मारोगे इसे। What? Go. तुम। तो मैं इसे कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? क्यों नहीं मार सकते तुम थप्पड़? थप्पड़ मारने के लिए इसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे इतना गुस्सा है कि मैं कान के नीचे। इसने तुम्हारी तन्नू को थप्पड़ मारा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। I'm really angry. But मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता तन्नू, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा, जो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूं जो थप्पड़ से भी ज्यादा भयानक हो। अभी
लगता है हमें इस प्लान को पोस्टपोन करना होगा। तुम कहीं छुप जाओ, अब इस पॉकेट में आ जाओ। Are you mad? मैं कर्टन के पीछे जा रही हूँ। मैं अभी ये क्या हो रहा? अभी दोनों मिलके पर्दे बंद कर रहे हैं, शायद हम गलत टाइम पे आए हैं। दादी बोली ना, क्या काम था? तेरे ही काम आए थे। हाँ। हमें क्या पड़ी है यहाँ आने की? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना है ना तुमने शूट पर, तो हमने सोचा पैकिंग तो करनी है ना, तो पैकिंग में मदद कर देते हैं। नहीं दादी मैं कर लूंगी ना, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? हाँ दादी वैसे भी पैकिंग में तो एक्सपर्ट है ना? नहीं 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 बेटा, पैकिंग तुम करोगी थक जाओगी, थक के फिर सफर करोगी फिर थक जाओगी, और जाकर तुरंत जाके सो जाओगी। अगर वहाँ सो गई तो हमें खुशखबरी कैसे सुनाओगी? अच्छा भाई मुझे ये बताओ, ये एसी क्यों बंद रखा हुआ है और पर्दे भी बंद? तुम लोगों को घुटन नहीं हो रही? अरे दादी इतनी हवा तो चल रही है, ये देखो। तो वैसे भी एक घर है दादी, छू बीच नहीं। ठीक है हम चलते हैं, इनको पैकिंग भी नहीं करवानी, पर्दे भी नहीं खुलवाने, तो हम क्यों खड़े हैं यहाँ? चल बहू। क्या बात बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ बिल्कुल ठीक है दादी, वो ऐसे ही कभी। अब तो तू नहीं चीखी। हाँ दासी क्योंकि मैं चीखा, हर बार ये थोड़ी ना चीखेगी, और वैसे भी अगर मुंह के सामने चीखते वक्त हाथ ना रखो ना तो इन्फेक्शन फैल जाता है। दर्जी हाँ तू जाके पर्दे खोल दे, खुली हवा आएगी ना तो दोनों की छीके बंद हो जाएगी। ए ठीक है। नहीं दादी अब पर्दे मत खोली, पर्दे खोलेंगी तो हमें पर्दे दोबारा बंद करने पड़ेंगे ना। ठीक है समझ गई, चल दीदी इनके पर्दे बंद ही रहने दो। अरे पूना जाने तक तो इंतजार किया होता। Are you crazy? क्या जरूरत थी ये बोलने की हम पर्दे बंद करके सोते? आपके पास कोई बेटर एक्सक्यूज था तो कह देते। अरे ये बोलने से अच्छा है कुछ ना बोलती। जाइए बुला रही है। शिट मैं तो भूल गया। ए सुरा आई ओके? सॉरी इतना धूल इस कॉटन में, ये जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही थी क्योंकि ये मुझे मारना चाहती है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती ना तो तुम यहाँ खड़ी नहीं होती, दादी तुम्हें देख लेती फिर तुम्हारा क्या होता तुम भी जानती हो। कितना बोलती हो तुम, सीन में जितना ड्रामा था ना वो खत्म हो गया, अब रोमांस शुरू होने वाला है, तुम्हें देखना है तो देख लो। गुड डिसीजन बेबी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कर्टन मारना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप में ना सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हम दोनों जाएंगे पूना और वो जाएगी पापल। मम्मी कल रात को तो आप बहुत खुश थे कि हम अच्छे नंबर से पास हो के आए हैं, फिर आपने पापा के सामने हमें डांटा क्यों? वो क्या है ना बेटा, सिर्फ अच्छे नंबर लाने से हम अच्छे बच्चे तो नहीं बन जाते, अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए जाना होता है। तो मेरे बच्चों बस ये समझो कि तुम्हारी मम्मी तुम दोनों को एक अच्छे से बड़े से स्कूल में भेजने की तैयारी कर रही है। वाओ। वो इतना अच्छा स्कूल होगा ना जहाँ तुम दोनों को बहुत मजा आएगा, वहाँ अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छी सी स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी, अच्छी अच्छी बुक्स मिलेगी, और सबसे बड़ी बात वो जो नया स्कूल होगा ना वहाँ पर मम्मी तुम दोनों को पॉकेट मनी भी देगी, ताकि तुम दोनों कैंटीन में से क्या खा सकोगे, पेस्ट्रीज समोसास कोल्ड ड्रिंक्स सब। सच? हाँ बच्चे बिल्कुल सच, पर ये तभी मुमकिन होगा जब हम तीनों के अलावा ये बात किसी और को न पता चल सके, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी न पता चले। प्रॉमिस? प्रॉमिस, हम किसी से नहीं बताएंगे। मेरे अच्छे बच्चे तुम दोनों बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो, बस अब तुम दोनों देखते जाओ
तुम्हारी मम्मी तुम दोनों को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगी और उसके साथ साथ हम लोगों का एक बड़ा सा घर होगा, वो घर हमारा अपना होगा। सच्ची? हाँ मेरे बच्चों, हाँ वो हमारा अपना घर होगा। आप मुझे बताइए ना प्रॉब्लम क्या है। मैडम जी कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताऊँ आपको। देखिए बहुत सी लाइटें खराब पड़ी हैं, नई लाइटें खरीदनी है और ऊपर से पिछली शादी का बाकी है। मैडम जी डेकोरेशन का नया सामान भी लाना है और आपको पता है इस डेकोरेशन की वजह से 2-3 बुकिंग कैंसिल हो गई है, हमारा कितना घाटा हो रहा है। मैं समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, पर आप प्लीज, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो इस वक्त आपसे नहीं। माँ ये वो माफी चाहूंगा कि मैंने आपको इस हालत में परेशान किया, पर आपको तो पता है ना जी इस महंगाई के जमाने में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया। हर आदमी एडवांस चाहता है, बिगर एडवांस के काम करना ही नहीं चाहता। उस हलवाई को एडवांस चाहिए, उसको एडवांस चाहिए, सबको एडवांस चाहिए और मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। अगर ऐसे चलता रहा ना तो सब कुछ घाटे में जाएगा। लाइटें खराब पड़ी हैं, पूरा मंडप का सामान खराब पड़ा है। कुछ भी ठीक नहीं है यार, सब गड़बड़ हो गया। वहाँ पर चीजों मेरे दी से नाराज है और मेरी माँ मुझसे, पर मैं ना उन्हें मना कर रहूँगी। मैं उन्हें ये बता कर रहूँगी कि मैंने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। पता है तुझे मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? एक ही मैंने प्यार किया। ये किससे बात कर रही है, कहीं पूरा तो नहीं? आदि ने मुझे मना किया था। किससे बात कर रही है? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ वो मेरी सहेली का फोन था। वही सहेली ना जिसके जन्मदिन के लिए तू पुणे गई थी, या वो जिसके जन्मदिन के बहाने तू उसके साथ भाग गई थी? आप खुद ही देख लीजिए। माँ मैं जानती हूँ आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, पर फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अब मेरा पूरब के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं कभी उससे मिलूंगी नहीं और कभी उससे बात भी नहीं करूंगी। मैं उसे भुला दूंगी माँ, मैं भूल जाऊंगी उसे। अपने आप को जा जाकर उसे गले लगा ले, उसे तेरी जरूरत है बेटा। और फिर गलती किस इंसान से नहीं होती, लेकिन हर गलती की माफी नहीं होती। दिल एक बार टूट जाए ना तो फिर जुड़ सकता है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो वो फिर नहीं जुड़ सकता। चश्मेश, चश्मेश, तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? बारिश हो रही थी, सॉरी। सॉरी? अरे यार सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, अब पूरा दिन खराब जाएगा। नहीं अभी, यार रॉक स्टार, यू कांट बी सो हेल्पलेस। तुझे अपना दिन, अपनी ये ट्रिप अच्छी बनानी ही होगी, और ये तभी ही होगा जब चश्मिश नाम का बैगेज मेरे साथ नहीं होगा। सोने दीजिए। क्या करूं अभी इसका, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काम करता हूं, इस डंबल को ना सोफे के बाजू में रख देता हूं, ये उठेगी डंबल से टकराएगी, मुंह के बल गिरेगी, उसके बाद मेरे साथ कैसे आएगी?
Genius. You're a genius, Abhi. That's a damn stupid idea. क्योंकि अगर ये चश्मिश डंबल से टकराएगी ना तो ये जोर से चिल्लाएगी, फिर सभी लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे, फिर दादी मुझे फोर्स करेंगे कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ, दो तीन दिन इसका ख्याल रखना पड़ेगा, फिर एड कौन शूट करेगा, मेरा पापा। स्टूपिड आइडिया अभी, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यस, गॉट इट, यू आर अ जीनियस अभी। ऐसे ही नहीं, तू लाखों का फेवरेट है। बड़ी आई मेरे साथ हनीमून पे जाने वाली, अब उसे हनी खिला के दिन में मुंह दिखाता हूँ। रॉबिन, गुड मॉर्निंग सर, साफ़ जूस। थैंक यू। रॉबिन। यस सर। ये काम करो, ये जाकर मेरी वाइफ को दे दे। ओके सर। रॉबिन। यस सर। मेरी वाइफ को ही देना, किसी और को नहीं। किसके लिए लेकर जा रहा है ये? प्रज्ञा भाभी के लिए। प्रज्ञा के लिए? समझी, इसी को पीकर वो अपना दिमाग तेज करती होगी। मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। रॉबिन, ये ना तू मुझे देकर जा और प्रज्ञा के लिए दूसरा जूस लेकर आ। अभी सर ने कहा है कि ये जूस में से प्रज्ञा भाभी को ही दो। अच्छा, तो फिर तो ये पक्का स्पेशल जूस ही है। शरीर चुस्त और दिमाग तंदुरुस्त। अब मैंने कहा ना, ये जूस तू मुझे ही देकर जा, प्रज्ञा के लिए दूसरा लेकर जा। हमारे के जूस की कमी है तो फिर मुझे दे। कुछ अजीब सा टेस्ट है इसका तो, लेकिन मैडम का स्पेशल जूस है। पीजा मिताली, कुछ अलग सा तो था ये जूस। ये तो सारा जूस पी गई। अब इसका हनीमून वॉशरूम में ही बनेगा। वॉशरूम से बाहर आएगी तभी तो मेरे साथ जाएगी। बेटा भी निकल ले, वरना हमेशा के लिए निकलना पड़ेगा। हो गया प्यार? हाँ, fit and fine। प्रज्ञा कहाँ? दादी, प्रज्ञा नहीं जाएगी। वो नहीं जाएगी क्यों? पता नहीं दादी, अंदर से फीलिंग आ रही। फीलिंग आ रही? चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। अरे अरे मिताली 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 मिताली, बेटा ऊपर जा रही है ना, प्रज्ञा को नीचे लेके आ। दादी, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ वॉशरूम की सेवा। इसे क्या हो गया? इंदु जी, जा तू ऊपर जाके प्रज्ञा को नीचे लेके आ। पता नहीं क्या कर रही है अभी तक। छिपी लेकर आई मैं। हाँ दादी, आप बताइए क्या काम था आपको? कुछ नहीं, मैंने इंदु को भेज दिया। पर बेटा तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, वो बस जूस पिया ना, उसके बाद से ना पेट में। दादी मैं अभी आई। जो इफेक्ट मुझे चश्मिश में देखना था, मिताली भाभी पे क्यों नजर आ रहा है? और अगर ये बाथरूम जा रही है तो प्रज्ञा? ये तो बिल्कुल ठीक है, कहीं वो जूस मिताली भाभी ने तो नहीं पी ली। बाथरूम नहीं जाना? नहीं तो क्यों? नहीं तो पूना चलते। अब जाओ, दोनों आराम से जाना, और पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना। और हाँ, बहू का ध्यान रखना। चले। ओ
मेरे को पानी का कंप्लेन लिखाने का है। आ जाओ, आगे जाओ। किधर? इधर जाओ, उधर जाओ। ओ मैडम, हेलो, पानी का कंप्लेन लिखने का मेरे को। किधर? अभी उसने मेरे को इधर आने को बोला। ओ भाई साहब, अब उनको पानी का कंप्लेन लिखाने का है। कंप्लेन के लिए उधर जाओ। बहुत नौटंकी है तुम लोग का। ये बोलता है उधर जाओ, वो बोलती है इधर जाओ, लगा के क्या रखा है? तुमको समझ में नहीं आता है, एक चाली में 200 जन रहते हैं और 200 जन का 200 मुंह, तो 100 जन का पानी काई को आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चारों महीना बराबर पानी बरसता है मुंबई में। जब ऊपर से पानी आता है तो पानी जाता है किधर है? हाँ, मेरे को अभी की अभी कंप्लेन लिखाने का है। लिखो मेरा कंप्लेन। कंप्लेन करने का सेक्शन वहाँ पर है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए और वहाँ से फॉर्म भर के वहाँ जमा कीजिए। मजाक कर रहा है मेरे साथ? इतना पढ़ी लिखी होती तो तेरी कुर्सी पे मैं बैठी होती ना। और जो उनका हक है उसके वास्ते कंप्लेन काई को? देख, वहाँ पे सब लोग बहुत परेशान है, खाने के वांदे तो है ही, पानी के और लग जाएंगे। मैं यहाँ कागज भरती रह गई ना तो दो तीन जन वहाँ प्यास से ऐसी टपक जाएंगे। फिर तेरे माफिक जाना कोई उसके घर पे शमशान घाट पे साइन कराने, अखा लाइफ निकल जाता है लाइन और पेपर का चक्कर काटते काटते, पर साला काम कभी नहीं बनता है। अरे शर्मा जी, अरे लिख दो ना, 100 की जगह 200 ही तो लिखना है। तो तू काई को नहीं करता है? ले कर, कुर्सी पे बैठ के बस बातें करना आता है, काम नहीं आता है किसी को। मालूम है मेरे को तुम लोग काम काई को नहीं करते हो। चाय पानी मांगता है ना तुमको, जब तक टेबल के नीचे से रोकड़ा नहीं जाएगा, टेबल के ऊपर से तुम्हारा फाइल नहीं खिसकेगा। तुमको हम गरीब लोग ही मिलते हैं ना, हमको तो पानी पीने को मिलता नहीं है, तुम हमारा खून पीते हो। झुग्गी को खोली बनाया तब तुमको रोकड़ा दिया, जब खोली से परमानेंट एड्रेस बनाया तब तुमको रोकड़ा दिया, खाने के लिए राशन कार्ड बनाया तो तुमको रोकड़ा दिया, अभी पानी का रोकड़ा काई को? हाँ, तुम लोग पानी का पैसा मांगते हैं कि हमारी जान का? अभी तुम्हारे घर से कोई प्यासा मरा नहीं है ना। देखिए, पहले तो आप तमीज से बात करिए, सुनिए आप। हाँ, अपनी फैमिली पे आया तो मालूम पड़ा ना, टच कराना। तुम अपना फैमिली के बारे में बुरा सुन नहीं सकता, और अपन रोज अपनी फैमिली को तकलीफ में देखता है। तुम आधा पानी पीता है आधा फेंक देता है, और हमको हमारी छत का पानी जमा करके पीना पड़ता है। जब पापा ऊपर से हमारे लिए पानी भेजता है तो तुम नीचे उसका पैसा काई को मांगते हो? देखिए मैडम, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, कोई भी अपने काम का पैसा नहीं लेता। लेता है, सब पैसा लेता है। हमारे पीछू दगड़ी चाल में 300 जन रहते हैं और पानी 400 जन का आता है। क्यों? क्योंकि वो रोकड़ा देता है तुम जैसे बाबू लोग को। अरे मैडम, शांति रहने का, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अब तक शांति बैठा हुआ था अपन सब, पर यहाँ चुप रहने वाले को बहुत कमजोर समझते हैं। फिर भी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती है साहब, तू जैसा बोला वैसा करके दिखा। तो इस कागज पे 200 का नाम लिखेगा ना साहब, 200 जन तेरे को बहुत दुआ देगा। शर्मा जी, एक काम करो, लिख दो इस पे। अच्छा लो। चलो मैडम, काम हो गया आपका। तो कोई भी पानी वाला आएगा ना वहाँ पे, उसको ये पेपर दिखा देना, 200 कोट से ज़्यादा ही पानी देकर जाएगा। पर हाँ, अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाए ना तो उसे दिमाग को ठंडा कर लेना, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि हर इंसान इस दुनिया में एक जैसा नहीं होता। तू अपन का पोपट कर रहा है ना, अपन को पढ़ना लिखना नहीं आता है। 200 इंसान में से एक इंसान होगा जो पढ़ा लिखा होगा वहाँ पे, उससे ही पढ़ा देना। फिर भी अगर मैं गलत साबित होता हूँ ना तो 200 लोगों को मेरे सामने लेकर जाना। थैंक यू साहब, चलती है। ए साहब, तेरा शादी हो गया क्या? हाँ, क्यों? तेरी बीवी तेरे साथ बहुत मचमच करती होगी ना। तेरे को कैसे पता? पढ़ी लिखी नहीं है साहब, एक्सपीरियंस जास्ती है मेरे को, 50 कोली का एक्सपीरियंस है। चलती है साहब, थैंक यू। क्या तुम सब क्या देख रहे ला? हाँ? मैं क्या बोलूं? वही सरला दी बच्ची, वो तो चक्कर काटने बंद कर। वो खसमा खाना क्या कह के गया तेरे को? किसी क्या गलत कह गया, वो तो बेचारा अपना काम ही कर रहा था ना। हम ही अपना काम नहीं करते, अपने चक्करों में उलझ रहे और हॉल की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उसे अब कह दिया कि एक भी शादी की बुकिंग हाथ से जाने ना दे। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी हमने आपको काम नहीं करने देना है। क्यों नहीं करने देना काम? अरे वो इसलिए कि तू किसी की भी शादी की टेंशन ऐसे ले लेती है जैसे तेरी अपनी लड़की की शादी हो रही। डॉक्टर ने कहा है ना कि तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और टेंशन तेरे लिए अच्छी नहीं है बेटा। तो ठीक है, होने तो कर्जदारों की लाइन घर के बाहर खड़ी, और बोले तो उनको कुछ भी जो बोलना चाहते, फिर मैं नहीं लूंगी ना टेंशन। ओहो सरला, पीछे आपको पता है मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन घर के बाहर कर्जदारों की लाइन खड़े होकर हमको ताने सुनाए ना, ये मुझे सहन नहीं होगा। इतनी मुश्किल से ये हॉल खड़ा किया है बीजी मैंने, अगर जरा सी भी गलती हो गई ना तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैंने उसे कह दिया है अब तो एक भी बुकिंग नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक, जो तेरे मन में आए तू कर। जी, ये कुमकुम मैरिज हॉल के ओनर का घर यही है। हाँ,
ये लेटर था। इधर साइन कर दीजिए। पीएमसी की नोटिस, हमारे मैरिज हॉल की लीज कैंसिल हो गई है। अब इस मैरिज हॉल में कोई शादी नहीं होगी। सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में ये हॉल खाली करना होगा।